बच्चों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन धांसू तरीके से कर रहे होंगे, लगातार जीत और मेहनत किए जा रहे होंगे। बच्चों मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक पोएम शेयर करने जा रहा हूँ, एक कविता शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर लगता है कि अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, इतना दिन जो भी मेहनत किए सबका सब बेकार चला गया, तो वहां पर आकर के जो एनर्जी टूटता है, हौसला टूटता है, तो वहां पे आप अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते हो। वहां पे मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे, आपको मोटिवेट करे। खास करके मेरा हौसला जब भी टूटता है तो मैं कुछ कविताएं पढ़ लिया करता हूं जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, तो इसीलिए मैं आज एक उसी कविताओं में से एक कविता का कुछ लाइन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ पर क्या है कि कई बार हम लोग सपने देख लिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, लेकिन जब हम लोग काम करने का सोचे तो मौसम को देख करके फैसला लेते हैं कि आज बहुत तेज धूप है, धूप में हम कैसे निकल पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कभी बहुत तेज ठंड है उसके वजह से हम लोग अपने फैसले को बदल लेते हैं, कभी बहुत तेज बारिश हो रही है उसके वजह से भी फैसले को बदल लेते हैं। तो इस तरह से फैसला बदल करके हम लोग कभी भी अपने शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप ही खुद को बदल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप ही खुद को बदल सको तो चलो। यहां पर क्या होता है, हम लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए उम्मीद दूसरों से पाल लेते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ये कर देंगे, मेरे टीचर हमारे लिए ये कर देंगे, मेरे दोस्त हमको सपोर्ट करेंगे, तब जा करके हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप जिस रास्ते को भी चुनोगे उस रास्ते पर केवल और केवल आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यहाँ पर जैसा अभी हम बोल भी रहे थे कि आपको खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा, यहाँ आपका रास्ता कोई दूसरा देने नहीं आएगा, अगर अपना रास्ता बना करके खुद चल सकते हो तो चलो। फिर आगे कहा जा रहा है, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। क्या होता है कि जब भी हम लोग टारगेट सेट करते हैं, जब भी हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वहां पे दूसरे से जीतने का प्रयास करते हैं, जबकि सही मायने में वहां पर आपको अपने ही बनाए गए दीवार से बाहर निकलना होगा। अपने ही बनाया गया दीवार क्या है, जैसे हम अभी बोल रहे थे कि हम अपने आप से नहीं जीत पाते हैं, अपने आप में दे देते हैं कि आज मौसम सही नहीं है, अपने आप को देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये जो आप अपने आप को दे रहे हो, अपने आप के साथ जो समझौता कर रहे हो, ये समझौता करना छोड़ना होगा। अगर आप अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो पहले आपको खुद से जीतना होगा। फिर आगे कहा जा रहा है, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहले तो कुछ सपना देखना होगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो एक उम्मीद, जो कि एक प्रकाश के जैसा होता है, जो आपके सारे दुख को हटा देता है, ठीक है, आपके जीवन में जितना भी अंधेरा होता है वो उम्मीद के किरण से ही हटता है, ठीक है। तो आपको एक सपने देखने होंगे, उस सपने के लिए जो उम्मीद है वो अपने दिल में हमेशा बरकरार रखना होगा कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हर हाल में ये सपना अचीव करेंगे, ये मंजिल तक हम पहुंचेंगे। तो ये इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा और जितोर मेहनत कीजिए। और कहते हैं ना लोग कि जो चाहते जो सोचोगे वो नहीं होता है, मेरा मानना ये है, आप एक बार सोचो तो सही, जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। धन्यवाद।